हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट कैसे टॉप 5 फ्लैगशिप ग्रेड वाले स्मार्टफोन जो दोस्तों इस टाइम आपको 30,000 रुपए से कम की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों देखते रहिए क्योंकि काफी कमाल के स्मार्टफोन की आज हम बात करने वाले हैं। तो लिस्ट की दोस्तों फटाफट शुरुआत करें तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला फ्लैगशिप फोन है OnePlus की ब्रांडिंग के साथ OnePlus Note CE3। जी हाँ, ये कमाल का फोन है इस रेंज के अंदर और OnePlus की ब्रांडिंग के साथ 30,000 की रेंज में कोई फोन ले रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इकलौता फोन है जो इतने कमाल के फीचर्स देता है। इसकी प्राइस दोस्तों 24,999 देखने को मिलती है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन अगर इसका आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज लेना चाहते हैं तो आपको 27,999 में मिल जाएगा। तो 12GB रैम चाहिए OnePlus की इस ब्रांडिंग के साथ तो आप इसको भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की तरफ दास्तों आए तो दोस्तों स्मार्टफोन एक लेटेस्ट है, यानी कि 4 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुआ है और आपको वहीं इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 782 चिपसेट देखने को मिलता है। अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है ये फ्लैगशिप ग्रेड वाला। तो उसी के साथ बैक में कैमरे के देखने को मिलते हैं 3 सेंसर, 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का माइक्रो लेंस। फ्रंट में पंच होल डिजाइन के साथ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। उसी के साथ 6.7 इंच की एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी है, 81 वोल्ट का माल का बड़ा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी साउंड क्वालिटी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इसके सभी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और इकलौता ही OnePlus की ब्रांडिंग के साथ इस लिस्ट के अंदर आता है तो आपको इसको ही चॉइस करना होगा अगर आप OnePlus ही ढूंढ रहे हैं इस रेंज के अंदर। आप बात करते हैं दोस्तों लिस्ट के सेकंड बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, तो लिस्ट का सेकंड फोन दोस्तों हमारा आता है मोटला की ब्रांडिंग के साथ मोटला एज 40। अब ये फोन दोस्तों एज सीरीज से आता है तो ऑफ कोर्स सी बात है ये एक फ्लैगशिप ग्रेड वाला फोन ही होने वाला है। कीमत इसकी 26,999 रुपए है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ और ये मई 2023 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन के अगर फीचर्स की तरफ आते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट मिल जाता है। ये कमाल का प्रोसेसर है, अगर आप गेमिंग प्ले करते हैं अपने फोन के अंदर तो बेस्ट है क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है OLED पैनल के साथ जिसमें आपको 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो प्रोसेसर अच्छा है और डिस्प्ले कमाल की है तो गेमिंग कॉम्बो काफ़ी जबरदस्त बनता है। साथ ही HDR10+ भी मिल जाता है। बैक में कैमरे के 2 सेंसर हैं, मेन दोस्तों 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस है 13 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो उसी के साथ 44mAh की बैटरी है, 68 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, डॉल्बी साउंड क्वालिटी सपोर्ट भी है और उसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो इसके फीचर्स तो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, गेमिंग के मामले में मैं इसको एक प्लस पॉइंट जरूर दूंगा क्योंकि इसकी डिस्प्ले और प्रोसेसर अच्छा है गेमिंग के नज़र से अगर आप देखते हैं तो। अब आ जाते हैं दोस्तों लिस्ट के तीसरे बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरफ क्योंकि लिस्ट बढ़ती जा रही है और स्मार्टफोन और अच्छे होते जा रहे हैं और आपको शायद पसंद भी इन्हीं में से ना आ जाए, इसलिए आप एक बार पूरी लिस्ट को देखें, संतुष्ट हो जाएं, फिर एक स्मार्टफोन को चुन सकते हैं। वैसे मैं आखिरी में आपको एक ऐसे 2 स्मार्टफोन जरूर बताऊंगा जो आप ले सकते हैं अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं इन सभी स्मार्टफोन के अंदर। तो आ जाते हैं दोस्तों तीसरे स्मार्टफोन की तरफ, तो दोस्तों वो आ जाता है हमारा नथिंग की ब्रांडिंग के साथ Nothing Phone 1। जी हाँ, सेकंड जो नथिंग फोन 2 है वो काफ़ी ज़्यादा कीमत में है, 40,000 की रेंज में आता है, अगर आप चाहें तो उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन नथिंग फोन बनाता है हमारा कम कीमत में, इसकी कीमत दोस्तों 29,999 रुपये है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। कीमत काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती है, जिस टाइम आप ले रहे हैं एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको कम दाम में भी ये मिल रहा हो। वैसे ज़्यादा कम होती है तो डिस्काउंट की वीडियो ऑफकोर्स आपको इस चैनल में मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है तो आपको खुद चेक करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बेझिझक, कोई शर्म नहीं, कभी भी पूछ लीजिएगा। आ जाते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो ये जुलाई 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था और स्मार्टफोन में दोस्तों देखने को मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट। ये एक फ्लैगशिप ग्रेड वाला फोन है तो आपको सभी फीचर्स उसी तरीके के इसके देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें 6.5 इंच का OLED पैनल डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ के सपोर्ट के साथ। बैक में कैमरे के 2 सेंसर हैं, दोनों ही सेंसर 50 मेगापिक्सल के हैं, यानी कि अल्ट्रा वाइड लेंस भी 50 मेगापिक्सल का ही है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल डिजाइन सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो उसी के साथ एक 4500mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डॉल्बी साउंड क्वालिटी सपोर्ट भी इसमें देखने को मिलता है। मैंने तो पहले ही कहा था ये एक फ्लैगशिप ग्रेड वाला फोन है तो आपको वही फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी फ्लैगशिप फोन के अंदर देखने को मिलते हैं, हो सकता है थोड़े कम पैमाने पे क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम है उन फोन से अगर मुकाबला करते हैं। तो ये फोन है हमारी लिस्ट का तीसरा बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन 30,000 की रेंज के अंदर। अब बात करते हैं लिस्ट के चौथे बेस्ट
फ्लैगशिप स्मार्टफोन की। तो चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा आ जाता है अब Realme की ब्रांडिंग के साथ Realme 11 Pro Plus। जी हाँ, ये फोन दोस्तों काफी अच्छा है, फ्लैगशिप ग्रेड वाला फोन है। कीमत इसकी दो वेरिएंट में आती है। पहला दोस्तों है 27,999 रुपए, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। सेकंड वेरिएंट आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, उसकी कीमत 29,999 रुपए है। कीमत के मुताबिक दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, डिजाइन के साथ मैट फिनिश देखने को मिलता है, तो ओवरऑल फीचर्स अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं, स्मार्टफोन की जून 2023 की दोस्तों लॉन्चिंग है और इसमें MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट मिल जाता है। साथ ही इसमें 6.7 इंच का एक AMOLED पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस दोनों ही इसमें मिल जाते हैं। तो उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक में कैमरे के देखने को मिलते हैं 3 सेंसर। मेन दोस्तों है 200 यानी कि 200 मेगापिक्सल का काफी बड़ा सेंसर है, तो इससे यह साबित नहीं होता कैमरा काफी कमाल का है, लेकिन हां कैमरा काफी ऑफकोर्स अच्छा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस है। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 5000mAh की बैटरी है, 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और इसी के साथ डॉल्बी साउंड क्वालिटी भी इसमें देखने को मिलती है, वो जो मिलनी ही जरूरी है किसी फ्लैगशिप फोन के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा है Realme 11 Pro Plus। जी हाँ, ये एक 5G फोन है, ये एक फ्लैगशिप फोन है, कम कीमत वाला और कम माल का डिजाइन भी प्रोवाइड कराता है। तो हमारी लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पे आता है Realme 11 Pro Plus। अब बात करते हैं लिस्ट के आखिरी स्मार्टफोन की, कंफ्यूजन दूर होगी इस फोन के बाद कि कौन सा लेना चाहिए आपको इस लिस्ट के अंदर से, या फिर ओवरऑल जो स्मार्टफोन बेस्ट रहे आपके 30,000 से कम की रेंज के अंदर। तो आखिरी फोन दोस्तों हमारा आता है Redmi की ब्रांडिंग के साथ Redmi Note 12 Pro Plus। जी हाँ, ये भी फोन दोस्तों काफी जबरदस्त है। कीमत दोस्तों इसकी दो वेरिएंट पे आती है, लेकिन दूसरा वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा है, उसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। पहला वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज 27,999, तो सेकंड वेरिएंट है 30,999 का जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल जाती है। नहीं पसंद आती थोड़ी सी भी कीमत तो स्किप करिए, लेकिन अगर 12GB ले सकते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की तरफ दोस्तों आए तो दोस्तों ये जनवरी 2023 की इंडियन मार्केट में इसकी लॉन्चिंग थी, लेकिन ये स्मार्टफोन अभी भी फीचर्स जबरदस्त देता है लेटेस्ट वाले। कैसे? इसमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट, साथ ही इसमें 6.67 इंच का एक AMOLED पैनल डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 प्लस भी इसमें मिल जाता है। वहीं इसमें बैक में कैमरे के हैं 3 सेंसर। मेन दोस्तों इसका भी 200 यानी कि 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस है। तो फ्रंट में दोस्तों इसमें देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। साथ ही इसमें आपको ऑलमोस्ट 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि 4980mAh की इसकी बैटरी है। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉल्बी साउंड क्वालिटी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक चीज आपने शायद नोटिस करी नहीं करी कि पूरी लिस्ट के अंदर पहला हमारा फोन है जो साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है। मेरे को वैसे इन डिस्प्ले ज्यादा पसंद है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद आता है, एक बार कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें कि आपको कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद आता है, बैक में, साइड में, या फिर डिस्प्ले में, या फिर आप फेस अनलॉक ज्यादा यूज करते हैं, इस बारे में कमेंट जरूर करें। इन सभी फोनों में से दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि लिस्ट के सारे ही फोन एक से बढ़कर एक हैं। सारे ही फोन काफी कमाल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गेमिंग परफॉर्मेंस या डिजाइन देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा आपको वो जरूर बताएं। अब मैं दोस्तों आपको क्लियर करता हूं ऐसे दो स्मार्टफोन जो आपको लेने चाहिए अगर आप सभी फोन में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कन्फ्यूज होने की दोस्तों कोई खास जरूरत है नहीं, आप जा सकते हैं दोस्तों Realme 11 Pro Plus की तरफ, या फिर दोस्तों आप जा सकते हैं OnePlus Note CE 3 की तरफ। लेकिन अगर आप Nothing Phone 1 को देख रहे हैं तो उसकी कीमत जब कम होती है तो आप बिल्कुल टेक ओवर करिए सारे फोनों को और Nothing Phone 1 की तरफ चले जाइए। लेकिन उसकी कीमत कब कम होगी अभी कोई तो ऐसा कुछ हिंट है नहीं सामने, लेकिन जैसे ही कम होती है इस चैनल पे तो आपको मिली जानी है वीडियो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, जैसे ही उस डिस्काउंट की वीडियो आएगी तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि डिस्काउंट आ चुका है। और कम माल का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है उसके बारे में भी हम इन्हीं वीडियो में बात करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ भी उन स्मार्टफोन को ले पाएंगे। लेकिन अभी अगर आप ले रहे हैं तो Realme 11 Pro Plus को ले सकते हैं या फिर आप OnePlus Note CE 3 को ले सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लिस्ट के और जो फोन है वो खराब है, वो भी काफी जबरदस्त देते हैं ब्रांडिंग। अगर आपको वो पसंद आती है तो जा सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर सभी की ब्रांडिंग बिल्कुल अलग है, कोई भी सेम ब्रांडिंग का स्मार्टफोन दोबारा रिपीट नहीं हुआ है इस लिस्ट के अंदर। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको आज की कैसी लगी इस बारे में दोस्तों कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को दोस्तों करें सब्सक्राइब अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी कोई नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।